Subscribe now to receive new updates every day. कैश के बदले बहन ले लो, जब इंडियन क्रिकेटर को लीव मैच में मिला ये ऑफर। भारतीय क्रिकेट टीम फिलहाल वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां दोनों देशों के बीच वन डे सीरीज चल रही है। क्रिकेट हिस्ट्री में दोनों टीमों के बीच कई शानदार सीरीज हुई हैं, जिनमें कुछ किस्से ऐसे भी हुए हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसे ही कुछ किस्से हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। ये इंसिडेंट साल 1971 में टीम इंडिया के वेस्ट इंडीज टूर के दौरान इंडियन क्रिकेटर एकनाथ सोलकर के साथ हुआ था, जिसके बारे में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने एक इवेंट के दौरान बताया था। गावस्कर के मुताबिक उस मैच में वेस्ट इंडीज के धांसु बैट्समैन एल्विन कालीचरण बैटिंग करने क्रीज पर आए थे, जो उस वक्त के सबसे अच्छे बैट्समैन में से एक थे और बड़ी इनिंग खेलने के लिए मशहूर थे। यहां तक कि हर बॉलर उनसे खौफ खाता था और उन्हें जल्द से जल्द आउट करना चाहता था। बैटिंग के लिए उतरे कालीचरण ने थोड़ी देर बाद ही एक गलत शॉट खेल दिया और बॉल काफी ऊपर हवा में चली गई। ये बॉल सीधे फील्डर के हाथ में जा रही थी। उस वक्त बॉल के ठीक नीचे एकनाथ सोलकर कैच लेने के लिए तैयार खड़े थे। उनकी गिनती दुनिया के बेस्ट फील्डर में होती थी। सोलकर के पास बॉल आने से पहले स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच से एक आवाज आई, जिसमें एक ने कहा, सोलकर सोलकर, अगर तुम ये कैच छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपनी बहन दे दूंगा। लेकिन इसके बाद भी सोलकर ने वो कैच लेकर कालीचरण को आउट कर दिया। कैच लेने के बाद जब हमने उससे पूछा कि क्या तुमने स्टैंड में से आई कुछ आवाज को सुना था, तो सोलकर ने साफ मना कर दिया। लेकिन जब हमने इस बारे में उन्हें बताया तो वे तुरंत उस क्रिकेट फैन की तरफ मुड़े और कहा, तुम अपनी बहन अपने पास रखो, मैं पहले से शादीशुदा हूं। जब दर्शक मैदान पर फेंकने लगे थे बीयर की बोतल, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 1989 में सबीना पार्क जमैका में हुए टेस्ट मैच के दौरान ये वाकया हुआ था। जब विव रिचर्ड्स को आउट देने पर भड़के उनके फैंस मैदान पर बीयर की बोतल फेंकने लगे थे। मैच में 27 बोतल फेंकी गई थी। विव रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज के ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स में से एक माने जाते हैं। लोग स्पेशली उन्हें खेलते देखने के लिए स्टेडियम आया करते थे। इस टेस्ट मैच में भी विव ने काफी शानदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी लगाई थी। मैच में विव बेहतरीन बैटिंग कर रहे थे, इसी दौरान कपिल देव की एक बॉल उनसे मिस हो गई और विकेट के पीछे किरण मोरे ने उन्हें कैच कर लिया। इसके बाद मोरे और स्लिप में खड़े दिलीप वेंगसकर ने जोरदार अपील की। इस अपील के बाद बैटिंग क्रीज पर खड़े अंपायर फैसला नहीं ले पाए, वे लेग अंपायर के पास गए। दोनों ने आपस में बात करने के बाद विव रिचर्ड्स को आउट दे दिया, जिसके बाद विव पवेलियन की ओर चल पड़े। विव के आउट होने से स्टेडियम में बैठे लोग नाराज हो गए और उन्होंने मैदान पर बीयर की बोतल फेंकना शुरू कर दिया। इनमें से एक बोतल तो अंपायर को आकर लगी, जिसके बाद मैच रुक गया। इसके बाद एक के बाद एक ढेर सारी बोतल मैदान पर आने लगी। स्टेडियम में बैठे लोग रुक ही नहीं रहे थे, जिसके बाद उन्हें समझाने के लिए खुद विव रिचर्ड्स को पवेलियन से निकलकर मैदान पर आना पड़ा। उन्होंने मैदान का पूरा चक्कर लगाते हुए दर्शकों का गुस्सा ठंडा किया, तब जाकर मैच आगे बढ़ सका। नयन मोंगिया और मनोज प्रभाकर पर हुआ था फिक्सिंग का शक। ये घटना 1994 में कानपुर में हुए वनडे मैच के दौरान हुई थी, जिसमें भारत को जीत के लिए 258 रन का टारगेट मिला था। इस मैच के दौरान ऐसी कई घटनाएं हुई थीं जिसके बाद लगा था कि ये मैच भारत ने जानबूझकर हारने के लिए ही खेला था। मैच में विकेट कीपर नयन मोंगिया ने जानबूझकर वेस्टइंडीज के प्लेयर्स को रन आउट नहीं किया, वहीं मनोज प्रभाकर ने 6 ओवर में 54 रन लुटा दिए। इसके बाद दोनों प्लेयर्स ने बैटिंग के दौरान भी जानबूझकर धीमी बैटिंग करते हुए यही कारनामा दिखाया था। अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया के 4 विकेट 195 रन पर गिर गए थे। क्रीज पर मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया मौजूद थे। इस वक्त टीम को जीत के लिए 54 बॉल पर 63 रन की जरूरत थी। अच्छी हालत में होने के बाद भी प्रभाकर और मोंगिया काफी धीमा खेले, वे रन नहीं दौड़ रहे थे, जिसके बाद अगले 4 ओवरों में केवल 5 रन ही बने। इसके बाद बाकी बचे 5 ओवरों में केवल 11 रन ही बने। दरअसल दोनों बैट्समैन जानबूझकर काफी धीमा खेले, वे रन दौड़ ही नहीं रहे थे। इस मैच में प्रभाकर ने बेहद धीमी सेंचुरी लगाई, उन्होंने 154 बॉल पर 102 रन बनाए, वहीं नयन मोंगिया 21 बॉल पर केवल 4 रन ही बना सके। भारत ये मैच 46 रन से हार गया था। मैच में दोनों की बैटिंग देखकर साफ लग रहा था कि वे मैच जीतने के लिए नहीं खेल रहे थे।
दोनों की इस हरकत को देखने के बाद मैच रेफरी ने मनोज प्रभाकर और नयन मोंगिया को बाकी टूर्नामेंट के लिए सस्पेंड कर दिया था। उस वक्त कहा गया कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज को फाइनल में चाहती थी, इसलिए उसे जीतने दिया। सचिन आउट तो इंडिया आउट। ये यादगार मैच मार्च 1997 में हुआ था, जब इंडियन टीम सचिन तेंदुलकर की कप्तानी में वेस्ट इंडीज टूर पर गई थी। वहीं इस मैच में विंडीज की कप्तानी ब्रायन लारा ने की थी। इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने पहली इनिंग में 298 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने भी शानदार जवाब देते हुए पहली इनिंग में 319 रन बनाए, जिसमें सचिन ने 92 और राहुल द्रविड़ ने 78 रन बनाए थे। वेस्ट इंडीज की दूसरी इनिंग में भारत की ओर से एबेकुरुविला ने जबरदस्त बॉलिंग करते हुए 5 विकेट लिए थे। विंडीज की दूसरी इनिंग केवल 140 रन पर सिमट गई। भारत को इस मैच में जीत के लिए दूसरी इनिंग में केवल 120 रन का टारगेट मिला था। दूसरी इनिंग में भारत की इनिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पूरी टीम 81 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वीवीएस लक्ष्मण 19 के अलावा कोई बैट्समैन डबल डिजिट में रन नहीं बना सका था। इस मैच में खास बात ये थी कि सचिन चौथे बैट्समैन के रूप में आउट हुए और उनके आउट होते ही बाकी टीम भी थोड़ी देर बाद पवेलियन लौट गई, जिसके बाद ये बात एक बार फिर साबित हो गई थी कि अगर विपक्षी टीम सचिन को आउट कर ले तो बाकी टीम को आसानी से आउट किया जा सकता है। एकनाथ ने कर दी थी सोबर्स की बोलती बंद। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए मैच का एक किस्सा कर्सन घावरी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान सुनाया था, जिसमें एकनाथ सोलकर ने वेस्ट इंडीज के महान क्रिकेटर गैरी सोबर्स को परेशान कर दिया था। इस मैच के दौरान क्रीज पर एकनाथ सोलकर बैटिंग कर रहे थे, वहीं सोबर्स बॉलिंग कर रहे थे। सोलकर शॉट खेलने की बजाय लगातार बॉल खाली छोड़ रहे थे। सोलकर की इस हरकत से नाराज सोबर्स उनके पास आए और उनसे बोले, ये बैट शॉट मारने के लिए दिया गया है, ना कि बॉल छोड़ने के लिए, अपने शॉट खेलो। एकनाथ भी कम नहीं थे, उन्होंने सोबर्स को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए कहा, आप भले ही गैरी सोबर्स होंगे, लेकिन आप अपना खेल खेलो और मैं अपना खेल खेलूंगा। मुझे मत बताओ कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। थैंक फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स एवरी डे। And don't forget to drop a like, leave a comment.